उषा शर्मा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पितृपक्ष थाली कम से कम सामान में कितना होना चाहिए, और वो देखिए मैंने क्या क्या आपको शेयर कर रही हूँ। वीडियो में चलते हैं, बनाते हैं। फ्रेंड्स, श्राद्ध स्पेशल, पितृपक्ष स्पेशल, जो भी आप नाम बोलते हैं अपने घर में, उसके लिए जो भी थाली बनाई जाती है, तो उसके लिए ख़ास तौर से जो अक्सर लोग बनाते हैं और खाना भी पूरा हो जाए और स्वादिष्ट भी बने और हमारे पितरों को अच्छा लगे और उनका पेट भर जाना चाहिए, और संपूर्ण विधि में आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं और ज़रूरी है, जिससे कि कोई कमी ना रहे खाने में और पेट अच्छे से भर जाए। तो मैंने यहाँ उड़द की दाल भिगोई हुई है, ये रात को भिगो दी थी, और ये मूंग की दाल भिगो दी है। उड़द और मूंग की दाल मिला करके मैं दही बड़ा बनाऊंगी, और कुछ उड़द की दाल से मैं मीठा बनाऊंगी। देखती हूँ क्या मीठा बनता है, वही आपको दिखा दूंगी। तो इसको हम पीस के इनके दही बल्ले बना लेंगे। दही बल्ले की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है। ये मैंने आटा गूंद लिया है पूड़ी कचौड़ी बनाने के लिए, चाहे आलू की और दाल की, दाल भी इसी में से निकल जाएगी। यह आलू की सब्ज़ी के लिए रेसे वाली आलू की सब्ज़ी, एक मैं रेसे वाली और सूखी सब्जी बनाती हूँ, तो कोई भी आप रेसे वाली बना सकते हैं। तो आलू की एक कॉमन सब्जी है, या छोले बनाइए, कुछ भी बनाइए, और लेकिन बिना प्याज और लहसुन की बनाइए। तो आलू की सब्जी भी मैं बना लूँगी। कोई भी फल आप दे सकते हैं खाने में, और साथ में मूली है, तो मूली नई है सीज़न की, तो इसलिए नई सब्जी हम ज़रूर बनाते हैं। जैसे मूली है तो इसका सलाद बनाइए, चाहे भुजी बनाइए, जिस फॉर्म में आप खाना चाहते हैं। तो उसके सलाद भी मैंने, अब मूली की भुजी भी मैंने शेयर आपको की हुई है। कुछ सब्जियां हैं कि तोरई हम ज़रूर बनाते हैं, आपके आज बनाते हो तो ज़रूर बनाइएगा। तोरई हमारे श्राद्ध में ज़रूर बनाते हैं, तो मैंने तोरई की सब्ज़ी ऑलरेडी बनाई हुई है, और मेरे चैनल पर भी ये सब्जी पड़ी हुई है। और देखते हैं हम क्या बनाते हैं, चलिए आगे वीडियो बनाते हैं। पहले दाल पीसते हैं, दही बल्ले बनाते हैं, और सूखी सब्जी में सीताफल भी मेरी शेयर की हुई है मेरे चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। ये आलू की सब्जी भी बन गई है मेरी, और ये बन गया मेरा दही बड़ा, और पूड़ी मेरी बन रही है। यहाँ आज मैंने बनाई है आलू की पूड़ी, घर में सबको आलू की पूड़ी पसंद है, और हमारे यहाँ श्राद्ध बहुत होते हैं कभी कभी, तो कभी दाल की ऐसी वैरायटी चेंज करते रहते हैं, एक जैसा खाना खा के तो बोर भी हो जाते हैं, तो वैरायटी चेंज करते रहते हैं। तो सूखी सब्जी, रेसे की सब्जी, दही बल्ला तो ज़रूर बनता है, मीठा ज़रूर बनता है, फल फ्रूट, और होली की भुजी, तोरई बहुत ज़रूरी बनती है। तो इस खाने में पेट अच्छे से भर जाता है, और साथ में हम कपड़े देते हैं और दक्षिणा देते हैं। आलू पूड़ी बन गई, प्लेन पूड़ी भी, और वस्त्र ज़रूर देने चाहिए, पैसे ज़रूर देने चाहिए, और श्राद्ध जब भी करें बहुत श्रद्धा से करना चाहिए, खुश दिल से करना चाहिए। अब बारी आती है मीठे की, मीठा बाकी रह गया है, और सलाद में मैं मूली रखूंगी, भुजी भी बना सकते हैं, किसी भी रूप में हम मूली ज़रूर रखेंगे। एक लोटा पानी ले लिया है, और यहाँ पर हमारी भुजी भी तैयार है, मूली की भुजी हम ज़रूर बनाते हैं, नई सब्जी है सीज़न की। जो आपके पास अवेलेबल हो, जितनी आप कर सकते हैं उतना आप करिए। कम से कम सूखी गीली सब्जी, पूड़ी, फल, मीठा कुछ भी बना सकते हैं, बाज़ार से भी ला सकते हैं।
घर में भी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, जो जिसको खाना खिला रहे हैं आपके घर में जिसके नाम का, उसको जो पसंद हो आप उसको खिला सकते हैं। यहाँ मैंने मीठे में लिया है इमरती, और साथ में पैसे रखिए जो आपकी श्रद्धा हो, कपड़े रखिए, और जिसके नाम का आप श्राद्ध कर रहे हैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लीजिए कि जो गलती हो क्षमा कीजिएगा, ये काम जरूर करिएगा, और बैठा के खिलाना चाहे तो बैठा के खिलाएं तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि और पेट भर के खा लें। कई बार ऐसा होता है कि दो तीन जगह होते हैं तो एक ही जगह का आदमी खा पाता है, तो पंडित जी को मैं मंदिर में पहुंचा देती हूँ, चाहे हम थाली बना के पहुँचाएँ, चाहे हम सूखा सामान पहुँचाएँ, सब कुछ सूखा सामान वो कभी भी बना के खा सकता है, वेस्ट नहीं जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को फुल वॉच करने की कोशिश क्या कीजिएगा, सपोर्ट करने की बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में।